गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक चल रहा था HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल, जिसमें आपने बर्कलैंड डाइट प्रोसेस पढ़ा, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन मेथड पढ़ा, और उसके बाद हमने स्टार्ट करी थी इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, थर्मल डिकम्पोजिशन, ताप अपघटन एंड प्रकाश का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ लाइट। आज का हमारा जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एसिडिक नेचर, जिसे हम अम्लीय प्रकृति कहते हैं हिंदी में। तो जैसा कि हमको पता है कि HNO3 जो है वो एक एसिड होता है, वो एक अम्ल है। तो हम प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करेंगे, कैसे हम लेबोरेटरी में बताएंगे कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है या ये एसिडिक नेचर शो करता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जो हमारे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, हमने अपने HNO3 की रिएक्शन करा दी कार्बोनेट से, एक मेटल कार्बोनेट से। हमको पता है कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है एंड उस मेटल का सॉल्ट फॉर्म करता है। तो जैसे ही आप HNO3 की रिएक्शन Na2CO3 से कराएंगे तो तुरंत आपको एक वाइट गैस जो है टेस्ट ट्यूब से निकलती हुई दिखाई देगी। आप इस गैस को अगर लाइम वाटर से पास कराएंगे तो लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की टर्न हो जाएगा, जो इस बात को कन्फर्म करेगा कि ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड कार्बोनेट से रिएक्शन करने पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो ये आपका जो सब्सटेंस है वो क्या है, नेचर में एसिड है। साथ में बनेगा सोडियम मेटल का सॉल्ट, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें NaNO3+H2। बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 2HNO3 2NaNO3, ये केमिकल रिएक्शन होती है। इसी तरह से दूसरा अगर हमें प्रूफ करना है, भाई एक केमिकल रिएक्शन से नहीं प्रूफ हो पाया तो हमने क्या किया, हमने एसिड के साथ यहाँ पर ले लिया साथ में एक बेस NaOH फॉर एग्जांपल। तो हमें पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर फॉर्म होता है। तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो HNO3 है वो एसिडिक नेचर शो करता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। आप इसके अलावा और भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर शो कर सकते हैं, ऐसे कार्बोनेट के साथ साथ आप बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा सकते हैं, आप मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करा सकते हैं, और डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू आप HNO3 का एसिडिक नेचर शो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसका ऑक्सीकरण गुण, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जो नाइट्रिक एसिड होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तथा किसी भी चीज़ को ये ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है। और अब हमें ये प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू शो करनी है। बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर तीन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर कितना है, दूसरा जो आपका नाइट्रिक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्योंकि हो सकता है डाइल्यूट हो नाइट्रिक एसिड, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेट हो, और थर्ड कि जो आप जिस सब्सटेंस का आपको ऑक्सीडेशन करना है, जिसका भी आपको जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण करना है उसका नेचर कैसा है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, देखते हैं जिसमें हमारा HNO3 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंट्रोड्यूस होगा। ध्यान दीजिएगा, जब HNO3 किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का ये होता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो किसी दूसरे पदार्थ को, किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, यानी खुद अपचयित हो जाता है। HNO3 जो है रिड्यूस होकर के, यानी अपचयित होकर बनाता है NO, NO2, N2O, NH3, ये कंपाउंड्स ये रिडक्शन के बाद बनाता है, और खुद क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए पहली केमिकल रिएक्शन यहाँ पर, सबसे पहली रिएक्शन में हम एक अधातु, एक नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर HNO3 लिया। ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी नीसेंट ऑक्सीजन की। तो जब HNO3 को हम हीट करते हैं तो HNO3 कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, खुद क्या होगा, खुद ये रिड्यूस हो जाएगा और HNO3 बना लेगा NO2, H2 और O। अब ये नीसेंट ऑक्सीजन जो है ये उस नॉन मेटल को जाकर के क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। तो यहाँ पर हमने नॉन मेटल ले लिया कार्बन, और नीसेंट ऑक्सीजन से दो यहाँ पर नीसेंट ऑक्सीजन ली और इसको ऑक्सीडाइज करके हमने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूरी रिएक्शन को हमें ऐड करके लिखना है, तो ये नीसेंट ऑक्सीजन देखिए,
अलग अलग साइड हैं, इसको कैंसिल करने के लिए इस पूरी केमिकल रिएक्शन में हम टू से क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो ये हो जाएगा टू एच एन ओ थ्री प्लस, ये से ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कार्बन गिव्स टू एन ओ टू प्लस टू एच टू ओ प्लस सी ओ टू, ये हमें बैलेंस्ड रिएक्शन मिल जाती है। ये इसको और बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब आप एच एन ओ थ्री बनाएंगे तो ये टू एन ओ टू होगा और ये टू एच एन ओ थ्री, तो इस तरह से इंटू करके ये फोर में कन्वर्ट हो जाता है, ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है हमारी। तो हुआ क्या, दो एच एन ओ थ्री के मॉलिक्यूल थे जो हमने हीट किया तो वो रिड्यूस हो गए एन ओ टू में और उन्होंने दी एक नीसेंट ऑक्सीजन, फिर ये नीसेंट ऑक्सीजन जा करके नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से हम HNO3 की हेल्प से किसी भी नॉन मेटल को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। आप सल्फर ले सकते हैं, आप आयोडीन ले सकते हैं, आप फॉस्फोरस ले सकते हैं, सब में सेम पैटर्न जो है वो फॉलो होता है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं एक मेटलॉइड को, यानी कि एक उपधातु को, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, हमने यहाँ पर लिख देते हैं मेटलॉइड, तो आपको ध्यान रहेगा मेटलॉइड और यहाँ पर था नॉन मेटल, यानी कि यहां पर अधातुओं का ऑक्सीकरण हुआ है, अब हो रहा है उपधातुओं का। तो फिर से वही, हमने दो HNO3 के मॉलिक्यूल लिए और इनको हमने रिड्यूस किया तो मिला 2NO2 प्लस H2O प्लस नीसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नीसेंट ऑक्सीजन है ये जाकर के मेटलॉइड पर अटैक करेगी, तो हमने यहाँ पर जो मेटलॉइड लिया है वो है आर्सेनिक, आर्सेनिक में इसका रिडक्शन करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए फाइव नीसेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, टू एस प्लस फाइव ओ प्लस थ्री एच टू ओ। किसी भी मेटलॉइड का जो ऑक्सीडेशन है वो हमेशा वाटर की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पर हमने वाटर की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन जब ऑक्सीडेशन जब किया तो ये कन्वर्ट हो गया H3AsO4 में। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे तो नीसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर 5 से N2। अब चलिए ऐड करते हैं इनको, ये 5 नीसेंट ऑक्सीजन से 5 नीसेंट ऑक्सीजन कैंसिल। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ 3H2 हैं और यहाँ होंगे 5H2, दोनों अपोजिट साइड हैं, तो यहाँ पर 3H2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा इतना 10HNO3 प्लस 2As गिव्स H2O, कैंसिल हो चुके थे तो ये बचेगा 10NO2 प्लस, ये टोटल 5H2O होते उसमें से 3 हमने कट कर दिए तो ये बचेंगे सिर्फ 2H2O प्लस H3AsO4। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें मिल जाती है, और इस रिएक्शन में हमने नाइट्रिक एसिड की हेल्प से एक मेटलॉइड को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पर जो आपका आर्सेनिक था वो आर्सेनिक एसिड में यानी कि आर्सेनिक अम्ल में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मूला है H3SO4, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दूसरी कंडीशन में हमने उपधातुओं को ऑक्सीडाइज किया, सेम प्रोसीडर फॉलो करके हम बाकी के जो मेटलॉइड होते हैं जैसे एंटीमनी है, बिस्मथ है, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि जो हमारे अपचायक हैं उनका ऑक्सीकरण करेंगे, तो थर्ड ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी में हमें पढ़ना है अपचायकों का ऑक्सीकरण। यहाँ पे जो हमने अपचायक लिया है वह है H2S, H2S को हमें ऑक्सीडाइज करना है सल्फर में, हाइड्रोजन हट जाएगी तो सल्फर में कन्वर्ट होकर के H2S जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके लिए फिर हमें करना क्या, सबसे पहले नीसेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो हमने यहाँ पर दो HNO3 के मॉलिक्यूल लिए, इनको हीट किया तो मिला हमें 2NO2 प्लस H2O प्लस O, ये नीसेंट ऑक्सीजन हमें मिल गई। इसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर अब ये जो नीसेंट ऑक्सीजन है ये जा करके हाइड्रोजन सल्फाइड पर अटैक करेगी। नीसेंट ऑक्सीजन ने जैसे ही अटैक किया तो आपको साफ दिख रहा होगा क्या, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगी, H2O बनेगा, साथ में मिल जाएगा हमें सल्फर, क्लियर है। अब नीसेंट ऑक्सीजन को यहाँ पर कट करने के लिए, यहाँ पर भी एक नीसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक नीसेंट ऑक्सीजन, ये कट हो गई, इनटू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, दोनों को ऐड करके लिखा तो ये हो गया 2HNO3 प्लस H2S गिव्स 2NO2
अब एक एच टू इधर, एक एच टू इधर, टोटल हो गए टू एच टू ओ साथ में सल्फर। इस तरह से हमने एक अपचायक, अपचायक यहाँ कौन था, अपचायक था हमारा H2S गैस, उसको हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया सल्फर में। आप इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आप इसको आयोडीन में रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। SO2 जो होता है उसे आप H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। SnCl2 स्नेनर क्लोराइड, इसको आप SnCl4 में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग, ये सारे के सारे जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सारे के सारे अपचायक हैं, और हम HNO3 की हेल्प से इन अपचायकों का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी ऑक्सीडेशन में, अपचायकों का ऑक्सीकरण। अब फोर्थ जो पॉइंट है उसमें हम करने जा रहे हैं जो हमारे मेटल्स हैं, जो हमारी धातुएं हैं उनका ऑक्सीकरण। धातुओं के ऑक्सीकरण में जो हमारी कुछ धातुएं हैं जैसे गोल्ड है, रेडियम है, प्लेटिनम है, इरिडियम है, टाइटेनियम है, ये हमारी कुछ मेटल जो होते हैं वो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज नहीं होते। इनको छोड़ करके बाकी जितने भी मेटल होंगे, जितनी भी धातुएं होंगी, वो सब नाइट्रिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडाइज होंगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जो नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी बहुत तनु अम्ल द्वारा ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कुछ के लिए हमें नॉर्मल HNO3 की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि तनु नाइट्रिक अम्ल चाहिए होता है, और कुछ में हमें चाहिए होता है कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो मैं आपको ये टेबल बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा कि किस में आपको वेरी डाइल्यूट चाहिए होगा, किस में सिर्फ डाइल्यूट, और किस में कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है। ये देखिए यहाँ पर, जैसे आपके जो मैग्नीशियम और मैग्नीज है, ये डाइल्यूट HNO3 से, मतलब वेरी डाइल्यूट HNO3 से जब क्रिया करती है, रिएक्शन करती है, तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करती है। आयरन और जिंक जो होते हैं ये भी केवल, देखो कितने परसेंट चाहिए डाइल्यूट हमें, 6%, यानी कि वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड चाहिए, अति तनु नाइट्रिक अम्ल चाहिए। तो उनसे जब क्रिया होती है आयरन और जिंक की, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से जिंक जो है वो भी नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। फिर इसके बाद आते हैं कॉपर, सिल्वर, लेड, मरकरी, ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, यानी तनु नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर वेरी डाइल्यूट था, केवल कितना, 6%, अब हमने कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बढ़ाई, हमने कर दिया 20% नाइट्रिक एसिड, यानी 80% वाटर होगा इसमें। तो जब हमारे कॉपर, सिल्वर, लेड, मरकरी ये सब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं या तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करते हैं, तो ये बनाते हैं धातु नाइट्रेट, यानी कि जो मेटल होगा उसका नाइट्रेट बनेगा NO3, और साथ में NO जो है वो प्रोड्यूस होगा, नाइट्रिक एसिड और वाटर प्रोड्यूस होता है। इसी प्रकार से जो हमारी सिल्वर, लेड और HG है, वो लेड नाइट्रेट बनाएंगे, मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट बनाएंगे, इस तरह से ये रिएक्शन करके कंप्लीट। मतलब यहाँ पर कॉपर की आपको पूरी शो करी गई है, और बाकी सिल्वर, लेड और मर्करी की रिएक्शन सेम प्रोसीडर में फॉलो होती है। अगर आप आयरन और जिंक रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करा दें, इससे पहले आपने वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था, अति तनु अम्ल लिया था, अब आप सिर्फ तनु अम्ल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में मेटल के नाइट्रेट और N2O बनेगा, साथ में वाटर जो है वो रिलीज होगा। टिन की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने पर वही होगा कि टिन का नाइट्रेट बनेगा, साथ में अमोनियम नाइट्रेट भी आपको प्राप्त होगा, एंड ये जो यहाँ पर रिएक्शन आप देख रहे हैं इसमें साथ में वाटर भी रिलीज होगा। तो ये है हमारी डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। तो हमारे जैसे कॉपर है, सिल्वर है, लेड है, मरकरी, आयरन है, जिंक है, ये सब जब कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 70%। तो अगर 70% आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले रहे हैं, यानी कि अगर आपको 100 मिलीलीटर का विलयन बनाना है, तो उसमें 70 मिलीलीटर जो है वो आपका नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, और 30 मिलीलीटर जो होना चाहिए वो आपका जल होना चाहिए, तब जाकर के सांद्रता होगी 70%। तो जब आप 70% कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे, तो जो आपके मेटल हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, लेड है, मरकरी है, और जिंक है, आयरन है, ये सब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटलिक नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, साथ में वाटर जो है वो रिलीज होता है, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पर अलग अलग जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं तो जो आपके कंपाउंड बन रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे सिर्फ आपने जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया, अति तनु अम्ल लिया, तो उस अवस्था में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी और आपको नाइट्रेट मिला था। जब आपने डाइल्यूट लिया तो आपको नाइट्रेट के साथ साथ NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो भी मिला था, और इसके बाद जो आपने कॉन्सेंट्रेट लिया तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, साथ में मेटेलिक नाइट्रेट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब हर एक टाइप, तीनों टाइप की मैं एक एक केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ। तो जब हम यहाँ लेंगे वेरी डाइल्यूट यानी कि अति तनु HNO3, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की रिएक्शन डायरेक्ट टू HNO3 से कराई, ये बहुत डाइल्यूट है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा MgNO3 का पोल्टॉइस, डायरेक्ट मेटल का नाइट्रेट बना, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। इसी तरह से अगर आप आयरन लेंगे तो आयरन जो है पहले HNO3 से जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, FeNO3 का पोल्टॉइस, साथ में दो यहाँ पर नीसेंट हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अभी जो नीसेंट हाइड्रोजन है ये जा करके HNO3 से रिएक्शन करती हैं, फिर से यहाँ पर HNO3 से रिएक्शन होगी, ये 8 नीसेंट हाइड्रोजन अटैक करेंगी जा करके और बनाएंगी NH4NO3 यानी नाइट्रिक एसिड को अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती हैं, साथ में हमें मिलता है H2। बैलेंस करने के लिए इस केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर 4 से N2 करेंगे सो दैट हम हाइड्रोजन जो है वो कट कर सकें। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से कट हुए तो पूरी रिएक्शन क्या मिली हमें, पूरी रिएक्शन मिली 4Fe प्लस, ये देखिए 8HNO3 ये हैं और 1HNO3 यहाँ पर ये है, इसको बैलेंस करने के लिए 2HNO3 लेंगे तो ये हो जाएगा 10HNO3, हाइड्रोजन कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर 4Fe और 10HNO3 जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो मिल रहा है हमें 4FeNO3 का होल ट्वाइस, साथ में अमोनियम नाइट्रेट यानी कि NH4NO3 और वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा है, कितना 3H2। ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है आयरन का, जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होती है तो बनता है फेरस नाइट्रेट और साथ में जो है हमें अमोनियम नाइट्रेट भी प्राप्त होता है। कब, जब हमने लिया है वेरी डाइल्यूट HNO3, अति तनु HNO3। अब हम लेने जा रहे हैं डाइल्यूट HNO3। तो जब आप डाइल्यूट HNO3 लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर मेटल ले लिया कॉपर, तो कॉपर सबसे पहले HNO3 से रिएक्शन करेगा, इसने HNO3 से रिएक्शन करी और बनाया कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, साथ में यहाँ पर दो नीसेंट हाइड्रोजन हमें जो हैं वो रिलीज़ हो गई। अब देखिए क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, अब ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन हमको मिला है नीसेंट हाइड्रोजन इन नवजात हाइड्रोजन, ये जाकर के दोबारा से नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, ये 2 हाइड्रोजन जो हैं से रिएक्शन करेंगे, ये 3, और इस तरह से यहाँ पर ये बनाएंगे NO+2H2। अब इनको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें हाइड्रोजन नीसेंट हाइड्रोजन हटाना है, कभी भी केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन या रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन अगर रिलीज होते हैं तो वो हम मेन केमिकल रिएक्शन में कभी शो नहीं करते, क्योंकि ये रिएक्शन में दिखाई नहीं देता। रिएक्शन में तो सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट नहीं है, ये तो रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हटाना है। तो यहाँ पर 2 है या 3, तो बैलेंस करने के लिए इस पूरी केमिकल रिएक्शन को 3 से N2 करेंगे, इस पूरी केमिकल रिएक्शन को 2 से N2 करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया टोटल, ये हो गया 3Cu और ये थे 3 × 6 HNO3 और ये 2 HNO3, तो साथ में आ गया 8 HNO3 गिव्स नाइट्रे, ये हाइड्रोजन यहाँ पर कट हो चुके हैं, ये मिल जाएगा 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस, अगर आप देखें तो 4H2। इस तरह से ये हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिल जाती है। तो जो हमारे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा वो जब आ करके जो हमारे मेटल हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, लेड है, मर्करी, इनसे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल का नाइट्रेट और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होगा। सेम प्रोसीडर सब में फॉलो होता है। अब इसके बाद हम लेने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 यानी कि सांद्र नाइट्रिक हम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखिए
यहाँ पर हमने जो मेटल लिया वो हमने ले लिया लेड। लेड जो है सबसे पहले 2 moles ऑफ HNO3 से रिएक्शन करके सीधे बना लेगी लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। साथ में हमें यहाँ पे मिलेंगे 2 nascent hydrogen मिला। अब इसके बाद ये जो 2 nascent hydrogen है ये जाकर के फिर से क्या करेंगे, HNO3 पे अटैक करेंगे। तो HNO3 पर इस हाइड्रोजन ने अटैक किया और हमें दे दिया NO2। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले क्या बन रहा था, NO बन रहा था जो आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था। और जब आप वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, तो NO2 प्लस H2O। नीसेंट हाइड्रोजन को हटाने के लिए यहाँ पर 2 से क्या होगा, N2 होगा। बैलेंस किया, ये 2 nascent hydrogen कट हो गए, तो ये हो जाएगा Pb प्लस 2HNO3 इधर और 2HNO3 इधर। ये 1 था, 2 से N2 किया, 2HNO3 टोटल हो गया 4HNO3। नीसेंट हाइड्रोजन शो नहीं करने हैं, तो ये हो गया यहाँ पर लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, साथ में 2NO2 प्लस 2H2O। और इसी तरह से कॉपर, लेड, मरकरी, सिल्वर, आयरन, जिंक, ये सारी की सारी मेटल्स भी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होकर के अपने नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीकरण गुण। इसके बाद नाइट्रिक एसिड की जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर खत्म हो गया हमारा, अब हम जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड -10 degree Celsius टेम्परेचर पर जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो उसका निर्जलीकरण कर देता है, यानी कि उसको एनहाइड्रस बना देता है। ध्यान से देखिएगा क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पर हमने HNO3 लिया और इसकी रिएक्शन कराई P2O5। तो P2O5 के यहाँ पर डाइमर फॉर्म में ये रिएक्शन होती है P4O10 के रूप में। P2O5 जो है वो डाइमर के रूप में यानी कि द्विक अणु के रूप में यहाँ पर अभिक्रिया करता है, टेम्परेचर -10 degree Celsius, और बनाता है N2O5 साथ में 4HPO3। इस तरह से ये फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड से केमिकल रिएक्शन करता है और इसी रिएक्शन के साथ हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है नाइट्रिक एसिड की वो खत्म होती है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है एक्वारीजिया का फॉर्मेशन। आपने सुना होगा ये एक विशेष प्रकार का अम्ल है जिसको अम्लराज कहा जाता है। एक्वारीजिया अभी तक का सबसे ज़्यादा हार्मफुल एसिड माना गया है, जो आपकी नॉर्मल जो गोल्ड है, प्लेटिनम, ये जो धातुएं होती हैं ये जल्दी किसी भी चीज़ से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन अम्लराज एक ऐसा अम्ल है या एक्वारीजिया एक ऐसा एसिड है जिससे ये सारे के सारे जो मेटल हैं वो रिएक्शन करके उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। आप कभी भी सुनार के पास जाएंगे, गोल्डस्मिथ के पास जाएंगे, तो वो एक बॉटल में एक्वारीजिया रखता है और एक्वारीजिया का यूज़ वो गोल्ड की, सिल्वर की और प्लेटिनम की टेस्टिंग के लिए करता है, यानी कि सोने और प्लेटिनम जैसी धातु जो है हमारी महंगी धातु जिनके आभूषण बनते हैं उनको टेस्ट करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए एक्वारीजिया का यूज़ होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है नेचर में। बनता कैसे है, यहाँ क्यों पड़ रहा है, क्योंकि एक्वारीजिया जो बनता है वो बनता है 3 mole HCl यानी कि 3 आयतन HCl और 1 आयतन HNO3 को मिक्स करने में। जब 3 HCl और 1 HNO3 मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक्वारीजिया, मतलब जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण होता है उसको एक्वारीजिया कहा जाता है, इसे हम अम्लराज कहते हैं। तो ये था हमारा नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़। ये याद रखिएगा 3 mole HCl 1 mole HNO3 एक्वारीजिया का फॉर्मेशन करते हैं। और एक्वारीजिया जो एसिड है उसका यूज़ किया जाता है गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं के परीक्षण में, यानी कि उनके टेस्ट। आज के लिए अपने एक्सप्लेनेशन को इतना ही रखते हैं। कल के एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद फॉस्फोरस और बाकी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।